स्टॉल है भाई, इसके अंदर बहुत सारे इम्प्लीमेंट हैं जो कि इस वीडियो में इस सारे इम्प्लीमेंटों के बारे में बताऊंगा, कौन सा क्या है, कंपनी कैसा क्या बना रखा है, प्राइस के रिगार्डिंग आप कंपनी के कस्टमर केयर पे फोन करके कॉल करके आप पता कर सकते हो। जैसे कि मल्चर है ये अपना, पराली को जैसे कि आजकल पराली फूकने के लिए जलाने के लिए मना है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको बिल्कुल बारीक कट कर देता है ये प्रॉपर तरीके से। शक्तिमान कंपनी का ये मल्चर है, पीछे से देखेंगे ये ऊपर उठाया हुआ है, पीछे से अगर देखें तो ये इधर इसमें ये लगे हुए फालियाँ बनी हुई हैं जो कि आपकी पराल को बिल्कुल फूस बना के बाहर फेंक देता है। और पीछे भी इन्होंने ब्लेड भी लगाए हुए, काफ़ी हैवी ब्लेड है ये जो कि आपकी पूरी उसको पूरा फाली को कट कर देगा और प्रॉपर तरीके से मिक्स करके बाहर फेंक देगा। अगर ये शक्तिमान कंपनी का, और अगर ये देखें तो ये 400 IT है जो कि ये जैसे आपको कोई बीज वगैरह बुआई करनी है, जैसे बीज जो फेंक के जो बीज थ्रो करते हैं, बीज फेंकते हैं हम, उसको बोना है या खाद फेंकनी है या जैसे खाद और बीज को मिक्स करके खेत के अंदर फेंकना है, ट्रैक्टर के पीछे लग जाती है और ये 30 फुट तक बीज को फेंक देती है, साथ साथ एक सवार में 30 फुट फेंकेगी ये। इधर यहाँ बीज जल जाएगा इसका, उधर ये जाली लगी हुई है और ये ऑटोमेटिक इसका सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है, PTO के साथ ये चलेगा, हमारे अपने ट्रैक्टर के PTO के साथ चलेगा और ये अपने एक बार में 30 फुट तक ये फेंक देती है बीज और खाद को। जैसा भी आप बोना चाहो, कोई भी चीज़ थ्रो करके बोना चाहते हो, जैसे हाथ से फेंकने की बजाय मशीन कंपनी निकाली है, आप इससे थ्रो कर सकते हो। इधर ये स्प्रे मशीन निकाली है कंपनी ने, एक और ट्रैक्टर से जुड़ के ये स्प्रे करेगी, काफ़ी दूर तक स्प्रे करती है ये, काफ़ी बड़ा इसका वो है। जैसा कि ये अभी फोल्डिंग में है, ये फोल्ड है, ये उठ के पूरा उधर तक ये पूरा उठ के ये निकल जाएगा और ये काफ़ी दूर तक एक साथ स्प्रे कर सकती है। ऑलमोस्ट जो आपको दिख रही है इसे डबल में ये फेंकेगी, थ्रो करेगी, स्प्रे करेगी। और इधर इसकी जो स्पेसिफिकेशन वगैरह वो यहाँ दी गई है कंपनी ने, पूरी स्पेसिफिकेशन सभी चीज़ें दी गई है इसकी, कैसे क्या यूज़ करना है, कैसे क्या नहीं करना, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये इसके अंदर आपका अपना मिक्सर होता है जो भी आपने स्प्रे करना है, जिस चीज़ का भी आराम से इजीली स्प्रे कर सकते हो। जैसे ये पंप दिया है, PTO के साथ कनेक्ट होने वाला, उधर भी ऐसा ही है, काफ़ी लंबा है। और ये एक रोटावेटर और दिया कंपनी ने जो कि इसका नाम भी देखें तो हम, ये है रोटरी टिलर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जो कि इसका काम बाड़ी वगैरह के काम में आता है। आप बाड़ी की नड़ाई करना चाहते हो तो साइड बीच में स्पेस दिया है जो कि पेड़ बीच में रह जाएगा और साइड से आपकी खेत की जुताई कर देगा। और अगर हम इसकी बात करें, इधर ये और इम्प्लीमेंट है इसका नाम मोबाइल श्रेडर बोलते हैं, फूडर हार्वेस्टर, जैसा कि हरड़ वगैरह की किसी की लकड़ी काटने का आ रहे हो, लकड़ी है, जंतर है, उसको बिल्कुल फूस बना के एकदम ऐसा यहाँ से जैसे इसके अंदर से फंसा के उसको अपने अंदर यहाँ ये कटिंग करके उसको प्रॉपर इसके अंदर कटिंग करके और छोटे छोटे पीस में बना के प्रॉपर ये अपने PTO से चलता है, ट्रैक्टर से कनेक्ट होने के वो अपने PTO से चलेगा और ये सारा जो मटेरियल होता है यहाँ थ्रो करेगा। आप यहाँ से उसको आप अपनी ट्रॉली वगैरह में भी डाल सकते हो डायरेक्ट, और काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि मशीनी करने का यूज इंडिया में, ये इधर से आप उसको अपना आराम से ओपन और क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से ये थ्रो करेगा जो आप अपने डायरेक्ट ट्रॉली में डाल सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, ये फूस जैसे अपने धान कटने के बाद फांस बच जाते हैं, ये रोटरी स्लाइसर है, रोटरी स्लाइसर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसकी जो ऊपर लिखी हुई है, मॉडल नंबर कैसा क्या, इसका सारी डिटेल्स यहीं दी हैं, आप पॉज करके वीडियो चेक कर सकते हो। ये है जो इसके नीचे पंखा लगा होता है, कटर है, बड़ा पंखा होता है, कटर कटिए सारे फांस वगैरह सभी को कट कर देता है बड़े इजीली, और आपका टाइम कम से कम टाइम में आप ताकि ज़्यादा काम कर सको। और एक और हम इधर बात करें, ये खुरपी वाला जो बोलते हैं हम, रिपर है, रोटावेटर है, इसके अपने स्पेसिफिकेशन हैं, मॉडल नंबर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कौन सा चाहो आप ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो सारी डिटेल्स जो कि मैंने आपको दिखाया, आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप सारी चीज़ें इसमें पता कर सकते हो। अब मैं इसको दिखाऊँ तो जैसे कि ये काफ़ी हाइट के साथ ही है, ये रोटेट होने हैं ऐसे खुद जो कि अपनी ज़मीन मिट्टी को बिल्कुल मुहिम बना देते हैं एकदम प्रॉपर, काफ़ी गहराई तक ये जाते हैं। इधर PTO के साथ कनेक्ट हो गए ट्रैक्टर के पीछे और इसके साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बड़े छोटे जोन सा भी लेना चाहते हो। इधर एक और ये रोटावेटर है जो कि इसका स्टाइल अलग है थोड़ा सा, खुरपियों का स्टाइल जो वो सीधी है बिल्कुल एकदम, ये कम से कम 8 फुट का होगा, 8 फुट रोटावेटर है ये,
आप जैसे अपनी अकॉर्डिंग इच्छा के अकॉर्डिंग इसमें आप साइज बड़ा छोटा भी ले सकते हो। इधर ये एक बिल्कुल छोटा है, ये 4 फुट के करीब होगा, 4 फुट रोटावेटर है एक और शक्तिमान कंपनी का। ये इधर बिल्कुल 2.5 फुट के करीब है रोटावेटर साइज, 2.5 फुट का रोटावेटर है ये, खुरपी के स्टाइल सीधी सीधी खुरपी के साथ है। आप अपने अकॉर्डिंग अगर कोई खुरपी स्टाइल से लीजिए तो ये 9 फुट का रोटावेटर है, 10 फुट और इसकी जो स्पेशलाइजेशन रोटावेटर की शक्तिमान कंपनी की बहुत सारी, ये जो इस आपको दिख रही होंगी वीडियो में सामने चार्ट के अंदर सेमी चैंपियन प्लस के नाम से ये चार्ट है पूरा पूरा शक्तिमान कंपनी का। जो भी आप इम्प्लीमेंट देखना चाहते हो खरीदना चाहते हो कंपनी का कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 10 फुट के करीब लग रहा है रोटावेटर काफ़ी बड़ा है। ये शक्तिमान के जो इम्प्लीमेंट है ये सारे शक्तिमान के इम्प्लीमेंट आपको दिखाए तो यहाँ हिसार में एग्जीबिशन के अंदर आए हुए हैं। और अगर आपको कुछ हो तो पता करना किसी भी इम्प्लीमेंट के बारे में, कुछ भी प्राइस से रिलेटेड कुछ भी पता करना है तो आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इजीली। प्राइस से रिलेटेड सारी सारी चीज़ें बताएंगे। और इस रोटावेटर भाई ये 2.5 फुट का छोटे ट्रैक्टर के लिए है, दोनों तरफ से आप चला सकते हो इसको। और ये भी छोटे ट्रैक्टर का वीडियो पसंद आओ चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।